मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएसआई का हम पढ़ रहे हैं धारा, भारतीय दंड संहिता 1860 का। तो इसमें धारा हम देखते हैं, जो धारा 54 है, ये मृत्यु दंड को सरकार द्वारा कम करने के का प्रावधान इसमें किया गया है। धारा जो 54 है, इसमें एक शब्द यूज हुआ है, समुचित सरकार। तो समुचित सरकार जिसमें, जैसे संविधान का जो अनुच्छेद 72 है, उसमें जो राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है, उसका संदर्भ देते हुए यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर यदि सरकार चाहती है कि कोई, अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, उसको कम किया जा सकता है, तो ये जो समुचित सरकार के माध्यम से ये इस मृत्यु दंड को कम किया जा सकता है। अगला धारा है धारा 57। 57 में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। इसमें बताया गया है कि जो आजीवन कारावास शब्द का यूज होता है, वो जो काउंट होती है, उसमें जो 20 वर्ष का समय है, इसी को आजीवन कारावास के रूप में यहाँ पे गणना की गई है। अगली धारा है धारा 63, जहां जुर्माना की राशि, इसमें जो 63 धारा है, इसमें ये मुख्यतः बता रहा है कि जैसे जहां पे जिस ये भारतीय दंड संहिता में जहां पे जुर्माना की राशि निर्धारित नहीं, लिखित रूप से निर्धारित नहीं की गई है, वहां पे कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी राशि वसूला जा सकता है, लेकिन वहां पे क्या होगा, युक्त होगा, मतलब वो एक सीमा के तहत ही ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर 50 रूप, अगर जैसे 500 का जुर्माना राशि है तो मनमानी 5000 ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पे युक्त की बात की गई है, जहां पे निर्धारित नहीं किया गया है जुर्माना की राशि। अगला जो धारा है ये 67 है, इसमें जुर्माना की राशि बताई गई है कि जैसे कोई अभी कोई जो दंड पाता है, जुर्माना भरने का जो उसको दंड दिया जाता है, अगर उसके पास जुर्माना देने के लिए अगर पैसा नहीं है, तो उसको सजा के रूप में, कारावास के रूप में कैसे कन्वर्ट करना है, वो कितने पैसे पे कितने की सजा है कारावास के रूप में, तो ये 67 में ये बताया गया है। जैसे अगर 50 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, अगर वो 50 रुपए देने में सक्षम नहीं है, तो उसको 2 महीना जो है कारावास में बिताना पड़ेगा, तब उसका ये जुर्माना की राशि 50 जो है ये पूर्ण होगी। अगला इसी तरह से है कि अगर जुर्माना की राशि 100 रुपए है, तो उसको 4 महीने के लिए कारावास में गुजारना पड़ेगा, अगर वो इस जुर्माना राशि को नहीं दे पा रहा है तो। अगला इसी तरह से है कि अगर 100 रुपए से ज्यादा जुर्माना लगाया गया है, अगर कोई नहीं दे पा रहा है, तो उसको 6 महीने तक जो कारावास में बिताना पड़ेगा। तो इस तरह से अगला है जो धारा 71। 71 में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर एक छड़ी मारता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी को एक छड़ी मारे, या उसको जो है 100 छड़ी मारे, मतलब उसको एक बार मारे या कई बार मारे, दोनों चीज के लिए एक ही सजा होगी। ये 71 में बात, धारा 71 में बताया गया है कि कोई एक बार मारे, दो बार मारे, 1000 बार मारे, लेकिन सजा का प्रावधान क्या है, एक ही सजा का प्रावधान किया गया है। एक के लिए भी वही सजा है और 100 के लिए भी वही सजा है। अगली धारा हमारी है 76 से 95। 76 धारा से लेके 95 तक, तो इसमें बताया गया कि क्षमा योग्य बचाव से संबंधित है। इसमें 96 से लेके 95 तक ऐसे सारे दंड जो क्षमा योग्य हैं, उसका उल्लेख इसमें किया गया है कि यहाँ पे जो है कोई धारा तो लगेगी, लेकिन किसी को सजा का प्रावधान नहीं होगा, यहाँ पे क्षम्य है। अगला है धारा 96 से लेके 106, इसमें भी न्यायोचित जो है प्रतिरक्षा की बात की गई है कि जितना हो सकेगा, अगर वो जो भी उसके द्वारा अपराध किया गया, अगर वो क्षम्य है, अपराध शब्द नहीं यूज कर सकते हैं, अपराध अपने आप में बहुत ही बड़ा शब्द है, ऐसी कोई गलती किया है, गलती शब्द यूज कर सकते हैं, कि ऐसी कोई गलती किया है जिससे समाज को ज्यादा क्षति नहीं है, उससे कोई सामाजिक नियम कानून उससे टूटते नहीं है, तो उसको यहाँ पे न्यायोचित जो है प्रतिरक्षा की बात यहाँ पे 96 से लेकर 106 धारा के अंतर्गत की गई है। तो ओवरऑल देख लेते हैं कि ये जो 176 से लेके 106 धारा तक है, ये अध्याय 4 में है,
और चार में, अध्याय चार में जो 76 से लेके धारा 106 तक है, ये इसमें सारे जो है, इसमें जो भी दंड दिया जाना है उस दंड से मुक्ति की बात की गई है। इसमें दंड का प्रावधान नहीं है। धारा 76 से लेके 106 के बीच में जितनी सारी धाराएं हैं उसके तहत जो भी कोई कृत्य कुछ करता है तो वो क्षम्य है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार वो क्या क्षम्य है, कौन सी धारा है? ये धारा है 76 से लेके 106 तक। आगे देख लेते हैं धारा 107। 107 में जो है दुष्प्रेरण, जो दुष्प्रेरण होता है उसको परिभाषित किया गया है धारा 107 में। तो इसमें जो दुष्प्रेरण की बात है, दुष्प्रेरण में तीन तीन बातें आती हैं। पहला है उकसाने वाली बात, जैसे किसी को हम किसी गलत कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और ये दूसरा है साशय सहायता द्वारा। साशय मीन्स होता है कि जैसे कोई कृत्य है उसमें किसी को इन्वॉल्व करना है, मतलब एक हिसाब से उसको उकसा रहे हैं, लेकिन पता है कि वो चीज गलत है और फिर भी उसको उस चीज में डाल रहे हैं ताकि वो उसमें फंस जाए और उसको सजा मिले या वो अपराध कर बैठे। तो साशय के द्वारा उसकी सहायता करना। और जो तीसरा है वो है षड्यंत्र में शामिल होने से घटित होना। जैसे उसके जो भी प्लान आप बनाए हो उसमें उसके साथ में शामिल हो गए हो और वो जो भी अपराध कर रहा है उसमें घटनाएं घटित हो जाती हैं। इसी से संबंधित एक धारा है 120। 120 जो धारा है ये आपराधिक जो है षड्यंत्र को बताता है कि अगर कोई अपराध करने के लिए राजी हो गया हो, जैसे आप किसी को कन्विंस, कोई गलत कार्य करने के लिए आप कन्विंस कर रहे हो और वो राजी हो गया हो, मात्र राजी ही हुआ हो, तो वह एक अभियुक्त हो जाता है दंड पाने के लिए। मतलब कोई अपराध किया है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर किसी ये जो दुष्प्रेरण की बात है इसके तहत अगर कोई व्यक्ति अगर उकसा रहा है कि आप इस चीज को कर दीजिए, तो उसी की बात करता है ये धारा 120 कि यहाँ पे जो है अपराध करने के लिए राजी होना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। वो अपराध ना करे उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो राजी हो गया है अपराध करने के लिए तो वो जो है दंड का क्या होगा, भागीदार होगा, उसको दंड दिया जाएगा। तो ये रहे सारे जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी, जिसमें धारा 54 थी, 57 थी, 63, 67, 71, धारा 76 से 95, 96 से 106 और 100 धारा 7। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा यूपीएसआई में पूछा भी है और आगे भी पूछेगा। हमें उम्मीद है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।